एक बहुत अच्छा रेसिपी आप लोगों के साथ करने वाली हूँ शेयर, तो प्लीज वीडियो को देखिए। ये देखिए सारे चीज़ मैंने ले लिया, एक एक करके बता देती हूँ। ये है कतला फिश का हेड जो नमक और हल्दी के साथ रखी। ये ग्रेटर में मैंने ग्रेट कर लिया पत्ता गोभी 500 ग्राम्स तक। और ये है एक प्याज जिसको स्लाइस कर लिया, कुछ कटा हुआ आलू, मिर्चा, एक टमाटर और पीस। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने कढ़ाई में ऑयल को रख दिया 2 टेबल स्पून जितना ऑयल। और ये है जीरा और तेज पत्ता। और यहाँ पर मैंने गर्म मसाले के साथ कूट लिया है थोड़ा सा 1 इंच जितनी अदरक, अदरक को अच्छे से कूट लिया। और ये है जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून। और 1.5 टेबल स्पून जितना है मैंने यहाँ पे लिया है धनिए के पाउडर। तो ये सारी चीज़ को मैंने अच्छे से सेट कर लिया। अभी झटपट मैं बना लूँगी एक पत्ता गोभी का सब्जी, और ये नॉन वेज सब्जी है। तो कढ़ाई में तेल हो चुका है मेरा गरम और मैं ऐसे इसको हिला ले रही हूँ। और पहले मैं डालूँगी इसमें ये हेड को मैं फ्राई करूँगी, और ज़्यादा नहीं फ्राई करनी है, हल्के फ्राई करनी है, क्योंकि इसके अंदर भी रहता है थोड़ा ऑयल, वो हमको ऑयल में नहीं चाहिए, सब्जी में चाहिए वो ऑयल। तो देखिए ऐसा थोड़ा चला लेने के बाद इधर उधर करके मैं इसको निकाल लूँगी कढ़ाई के अंदर से, और इसके बाद जो बाकी का प्रिपरेशन है मैं कर लूँगी फटाफट रेडी। देख लीजिए आप लोग, मैंने इसको ज़्यादा नहीं फ्राई किए हैं देखिए। और वही तेल में मैंने डाल दिया है ज़ीरा और तेज पत्ता, इसको थोड़ा चला लेंगे। ऑलरेडी तेल तो गर्म ही था। देन ऐड कर देंगे कटा हुआ आलू का डाइस, इसको भी हम अच्छे से चला लेंगे। देन इसके अंदर डाल देंगे कटी हुई प्याज को, स्लिट किया हुआ प्याज, और इसको अच्छे से भून लेंगे। प्याज अच्छे से पिंक हो जाए तब तक इसको भूनना पड़ेगा। और भूनने के बाद देखिए मैंने ऐसे बीच में थोड़ा जगह निकाल लिया। अभी ये जगह में मैं डाल दूंगी जो अदरक और गरम मसाला को मैंने कूट कर रखा था, वो अच्छे से इसके अंदर डाल के चला लूँगी। और इसको 2-3 मिनट चलाने के बाद अच्छे से जब इसका अच्छा स्मेल आने लगा, खुशबू अच्छे से आने लगे, तो इसके अंदर हम डाल देंगे मटर और मिर्ची को। ये मटर और मिर्ची डालने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ी सी नमक, क्योंकि ये मटर थोड़ी उड़ता है, तो मटर ना उड़े इसके लिए इसको कर देंगे ठंडा। और धनिया और जीरा का पाउडर भी डाल देंगे, साथ में ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। और पानी देने के बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसके अंदर डाल देंगे फ्राई किया हुआ हेड का हिस्सा, हेड को थोड़ा हम तोड़ देंगे करछी के सहारे, तो इसके अंदर का जो ऑयल वगैरह है वो सब इसके अंदर मसाले के अंदर चला जाएगा, और मसाला हो जाएगा एकदम बहुत ब्यूटीफुल एंड टेस्टी टेस्टी। इसको 2-3 मिनट अच्छे से चलाने के बाद हम इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमारे पास है ग्रेट किया हुआ पत्ता गोभी और टमाटर। तो टमाटर को मैं पहले चला लूँगी, टमाटर थोड़ा नरम हो जाए तो उसके बाद मैं ऐड कर दूँगी ये पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी को भी मैंने बॉयल नहीं किया, ये रॉ पत्ता गोभी है, तो पत्ता गोभी को अच्छे से मसाले के साथ फ्राई कर लेनी है जब तक ये कुक नहीं होती। ढक के 2-3 मिनट कुक करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी पानी, ज़्यादा पानी नहीं, ये सूखा सूखा ही बनता है। तो ये देखिए ऐसा अच्छे से चला लेंगे और इसको ड्राई कर लेंगे पानी को, और ये हमारा सब्जी हो जाएगा तैयार। एंड में हम डालेंगे थोड़ी सी चीनी 1 टीस्पून जितनी, ये ऑप्शनल है, अगर नहीं पसंद है तो अपने लोग नहीं भी डाल सकते हो। तो देखिए कैसे झटपट मैंने बना लिया एक कतला फिश के हेड के साथ पत्ता गोभी का एक रेसिपी। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं।